ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में गेस्ट टीचर्स को नौकरी से हटाने का मामला है। 2 सितंबर को बिहार विधान परिषद में बैठक होनी है। विधान परिषद के निदेशक आफताब हबीब ने जारी की है चिट्ठी। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को आने के निर्देश है। वहीं बीएसईबी अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को भी निर्देश दिया गया है। विधान परिषद के 3 सदस्यों ने नौकरी से हटाए जाने पर उठाए थे सवाल। 1 अप्रैल 2024 को 4,257 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया था। शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाया था। साल 2018 में बहाल हुए थे 4,257 गेस्ट टीचर्स। वहीं 25,000 के वेतनमान पर बहाल हुए थे ये गेस्ट टीचर्स। तो बड़ी खबर, विधान परिषद के 3 सदस्यों ने नौकरी से हटाए जाने पर उठाए सवाल। 1 अप्रैल 2024 को 4,257 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया था। वहीं शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाया था। सरकार से आग्रह और निवेदन और विनती करता हूं कि अतिथि शिक्षा का समायोजन किया जाए, और बिहार में जिस तरह शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, तो अतिथि शिक्षक ने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अतिथि शिक्षक के द्वारा शिक्षा का स्तर जो बढ़ाया गया है पूरे बिहार जानता है। ये मैं अपनी बातों को कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव तो लगातार रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम पैदान के लोग आगे आए उसकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज सब जान गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी जी, कि बीजेपी इस बार फिर झूठ और फरेब कर रही है आरक्षण के नाम पे। बीजेपी का तो परिचय ही है जुमलेबाजी और धोखेबाजी। तकलीफ तो तब होती है जब विकास पुरुष कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जैसे सामाजिक नेता के बेटा चिराग पासवान जी भी चोला पहन करके बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर हिम्मत है, अगर आप लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं, गरीबों के हक के लिए लड़ना चाहते हैं, तो ये चोला उतार करके तेजस्वी जी के साथ खड़े हो जाए।